उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी भी उत्तर प्रदेश से एक अपडेट निकल कर आ रही की यूपी वेदर फोरकास्ट। उत्तर प्रदेश में आज से छाए रहेंगे बादल, तेज अंधड़ के साथ भारी बारिश की संभावना। तो चलिए जानते कि उत्तर प्रदेश के किन किन इलाकों में तेज अंधड़ के साथ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी गर्मी से राहत बरकरार रहेगी। ज्यादातर जगहों पर आसमान में हल्के बादल दिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। बीते दिनों आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में हुए बदलाव की वजह से प्रदेश में बादल छाए रहे और हल्की बारिश भी बनी रही। इसका असर तापमान पर साफ दिखाई दे रहा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आपको बता दें कि कुछ गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अभी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने आपको बता दें आज से दो तीन दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है। इसके साथ ही एक बार फिर से गर्मी का प्रकोप शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी यूपी में हीट वेव चलने की आशंका है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से मध्यम श्रेणी में है। चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर बात करें सबसे पहले लखनऊ की, तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम यहां भी परिवर्तन होने की संभावना है और वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी आसमान में हल्के बादल दिखेंगे। बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से यहां भी बादल छाए रहेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। बारिश या गरज के साथ बौछारे या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। और बात करें अगर अयोध्या की, तो अयोध्या में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहां भी मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें वीडियो के आखिर में आगरा की, तो आगरा में अधिकतम तापमान 43 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।